हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेस पैक, जिनके भी सेंसिटिव स्किन है उन लोगों के लिए स्पेशल ये मेरा आज का वीडियो है। जो जिनके भी सेंसिटिव स्किन है वो लोग इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। वो ये बिल्कुल आपके स्किन को एलर्जी नहीं करेगा या फिर आपके स्किन पे जलन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इनको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, हफ्ते में दो बार यूज कर सकते हैं। और जिनके भी सेंसिटिव स्किन नहीं है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है, सारी प्रोसेस मैं आके वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए पैक बनाना शुरू करते हैं। इस पैक को बनाने के लिए यहाँ पे आपको लेना है एक चम्मच बेसन। अब इस पे ऐड करना है एक चम्मच एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं या फिर नहीं तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज किया है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डालने जा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा ही डाला है मैंने, जस्ट पिंच, चुटकी भर हल्दी डाला हुआ है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालने जा रही हूँ ये अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जस्ट दो तीन ड्रॉप ही डालूंगी। देखिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल जरा सा ही डालूंगी, बस इतना सा, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये कुछ इस तरह का पैक बन के रेडी है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो पैक जो है बनके रेडी है। अब इसको किस तरह से लगाना है ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस पे रोज वाटर को अच्छी तरह से पूरे फेस में अप्लाई करना है। रोज वाटर को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अपने स्किन को, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, यानी वाटर से धोना है, ओनली नॉर्मल वाटर से धोना है। और आपको फेस वॉश वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद आपको रोज वाटर अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे। मैंने पहले ही अपने फेस को पानी से धो लिया था। तो पूरे फेस पे आपको इस तरह से रोज वाटर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं अभी मेरे स्किन थोड़ा सा डल भी दिख रहा है, थोड़ा सा जो चेहरे पे होता है रौनक वो नहीं है। आप आफ्टर ये फेस पैक जो मैं अप्लाई करूंगी उसके बाद आप मेरे फेस को देखिए डिफरेंस, मेरे फेस पे किस तरह का डिफरेंस आने वाला है। तो मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया, अंडर आई भी अप्लाई कर लिया मैंने रोज वाटर को अच्छे से। अब इसको अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर ही आपको फेस पैक को अप्लाई करना है। तो मैं अपने हैंड से ही, अपने फिंगर के हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहते हैं एक ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मैंने हल्दी डाला हुआ है। हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि हमारे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, उसको रिमूव करने में, उसको ना आने देने में हेल्प करता है, ताकि हमारे पिंपल्स ना हो फिर से। जो भी पिंपल्स भी एक इन्फेक्शन ही है स्किन का, उसके लिए भी हल्दी बहुत ही अच्छा है। और ये एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल में विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एलोवेरा जेल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गुण होते हैं जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पैक को पूरे फेस में अप्लाई कर देना है इस तरह से। देखिए मैंने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मेरे फेस पैक जो है वो सूख चुका है। आप देख सकते हैं मुझे बोलने में भी परेशानी हो रही है, खिंचा खिंचा सा लग रहा है एकदम। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से लेना है ये रोज वाटर। रोज वाटर आपको एक अपने एक हैंड पे लेना है इस तरह से, या फिर आप एक
कटोरी में या फिर स्पून में भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कॉटन यूज नहीं किया इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कॉटन यूज करूंगी तो जो फेस पैक है वो कॉटन पे चिपक जाएगा। और इस तरह से उंगली के हेल्प से आपको अपने पूरे फेस पे जहाँ पर भी आपने पैक लगाए हैं वहां पर पूरे पैक पर इस तरह से आपको रोज वाटर अप्लाई कर देना है इस तरह से पूरे पैक में। देखिए मैंने यहाँ पे रोज वाटर लगा लिया है, पूरे पैक पर रोज वाटर को अप्लाई कर दिया है इस तरह से। पूरे पैक को रोज वाटर को लगा के गीला कर लेना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा इस तरह से मसाज करते हुए आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है इस तरह से। तरह से मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। मैं जा रही हूँ वॉश करने। देखिए मैंने यहाँ पे फेस को वॉश कर लिया है। पैक लगाने के बाद जो मैंने फेस को वॉश किया है आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो, अलग ही चमक, एक फेयरनेस, मेरा चेहरा जो एक साफ दिख रहा है। अब इसके बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ। आपको लेना है थोड़ा सा हनी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हनी लिया हुआ है और आप अब इसको आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। सेहत को भी आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है इस तरह से। मैंने थोड़ा सा ही सेहत लिया है, एक टी स्पून करीब यानी एक चम्मच करीब हनी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और हनी को भी पूरे अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है आपको। मैंने यहाँ पे पूरे फेस पे सेहत को भी अप्लाई कर लिया है। देखिए हनी भी पूरे फेस में अपनी मैंने हनी लगा लिया है। मैंने एक चम्मच सेहत लिया था, मैंने लगाया पूरा अपने फेस पे, तो उसके बाद जो बचा हुआ है आप देख सकते हैं आपको ज्यादा नहीं लगेगा। और इसको भी अच्छी तरह से आपको मसाज करना है 5 मिनट के लिए, तरह से सर्कुलर मोशन में अच्छी तरह से मसाज करना है अपने फेस पे। तरह से मसाज करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको आप लगा रहने लगे हैं अपने फेस पे और उसके बाद वॉश करना है। मैं आफ्टर वॉश आप सबसे मिलती हूँ। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। पहले मेरा फेस कैसा लग रहा था, थोड़ा सा डल, थोड़ा सा डर्टी टाइप का दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा फेस एकदम क्लीन, केयर और थोड़ा सा ग्लोई भी दिख रहा है आपको, उस सबको दिख रहा होगा। इस तरह से आप हफ्ते में 2 बार इस पैक को यूज कर सकते हैं। जिनके भी सेंसिटिव स्किन है वो लोग स्पेशली ये इस फेस जो फेस केयर रूटीन जो मैंने बताया उसको यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार करिए और भी इस रूटीन को कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। आपकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं अगली वीडियो में, तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।